हेलो दोस्तों, वैदिक एंड होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुहासों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें इंग्लिश में एक्ने या पिंपल्स भी कहते हैं। यह किस कारण से होते हैं? अक्सर यंग एज में हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से ये बच्चों के चेहरे पर मुहासे या छोटी छोटी फुंसियों के रूप में निकल आते हैं और इनसे चेहरा बहुत भद्दा लगता है। और दूसरा कारण है कब्ज़ के कारण। पेट में जब कब्ज़ रहती है या पेट की गड़बड़ी रहती है तो उसकी वजह से भी चेहरे पर ये मुहासे या पिंपल्स निकल आते हैं। मुहासों को कभी भी फोड़ना या नोचना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा फैलते हैं और स्किन पर स्थायी दाग पड़ जाते हैं और चेहरा इससे बहुत भद्दा लगता है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करें, कब्ज़ को दूर करें। कब्ज़ दूर करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा पानी पीने से एक तो स्किन हमारी क्लियर होती है और पेट की कब्ज़ दूर होती है। दूसरा तरीका है, हम जितना नींबू का रस लें उतना ही उसके बराबर गुलाब जल उसमें मिला लें और मिलाकर शीशी में रख लें। दोनों को बराबर मात्रा में लें और उसको कॉटन की सहायता से अपने चेहरे पर मलें, लगाएं। आध घंटे बाद चेहरे को पानी से धो लें। ऐसा आप 10-15 दिन तक इस प्रयोग को करेंगे तो इससे आपके मुहासे दूर हो जाएंगे और मुँह के जो दाग पड़ जाते हैं वो भी इससे दूर हो जाते हैं। तीसरा तरीका है, नहाने से पहले आप नींबू के छिलके को, मतलब नींबू को निचोड़ लें, उसके बाद जो छिलका बचता है, जो जिस साइड नींबू का रस रहता है उस साइड वाले हिस्से को आप मुंह पर धीरे धीरे रगड़ें और 10-5 मिनट तक रगड़ें उससे। उसके बाद मुंह को धो लें, नहा लें। इससे भी आपके मुंह के मुहासे और उसके जो द्वारा दाग धब्बे पड़ जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। चौथा तरीका है, अगर हम जायफल लें, जायफल एक फल होता है और जो टाइट जैसे आपका उसको क्या कहते हैं, जायफल की मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। जायफल को आप लें और उसको कच्चे दूध में या तो सिलबट्टे के ऊपर घिसें या फिर किसी स्टोन के टुकड़े के ऊपर उसको घिसें। उसके द्वारा जो लेप आपको प्राप्त होता है उसको आप चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें, लेप कर लें, फिर रात को लगा कर सो जाएं। इससे आप सुबह उसको नहाते समय पानी से धो लें। ऐसा आप 2-3 हफ्ते करेंगे तो इससे आपके चेहरे के मुहासे भी दूर हो जाएंगे और काले दाग धब्बे जो पड़ जाते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास जैतून का तेल है तो इसका भी अनियमित रूप से आप लगाएंगे तो इससे भी आपके कील और मुहासे दूर हो जाते हैं और त्वचा जो है आपकी नरम पड़ जाती है। अगर आपके घर के पास नीम का पेड़ है तो आप एक काम करें, नीम के पेड़ की छाल उतार लें, उसका अंदर वाला हिस्सा जो है पहले तो उसको पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद 2-3 घंटे भीगी रहे तो उसके बाद उसको निकाल लें और उसके जो अंदर वाला हिस्सा है छाल का उसको आप सिलबट्टे पर घिसें। घिसने के बाद जो आपको लेप प्राप्त होता है उसको मुहासों पर लगाएं, उससे भी मुहासे बैठ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मेरी आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।